कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाए जाने के विरोध में गुरुवार को NSUI ने टावर चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व NSUI के प्रदेश संयोजक आयुष सिन्हा और जिलाध्यक्ष अभय कुमार ने किया। इस दौरान NSUI के प्रदेश संयोजक आयुष सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी को मानहानि में जो 2 साल की सजा सुनाई गई वो एक सोची समझी रंजिश है। कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। जिलाध्यक्ष अभय कुमार ने कहा कि वर्तमान केंद्र की सरकार जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है और लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जनता के मुद्दे को उठाए जिसके ऊपर मानहानि का केस दर्ज कर दिया गया है। वहीं अडानी और नीरव मोदी ने देश को खोखला बना दिया लेकिन केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुतला दहन कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष विनीत भास्कर, जिला उपाध्यक्ष सुचित मंजल, जिला महासचिव नीतीश यादव, विक्की यादव, यश राज, सचिव राहुल, छोटू राकेश, विशाल आदि मौजूद थे। ये राहुल गांधी को जो अनलॉफुल डिटेन किया गया है, ये केंद्र सरकार कोई भी विपक्ष का आवाज को उभरने नहीं दे रहा, जो जनता का आवाज ईमानदारी पूर्वक उठा रहा है उसको दबाने का कोशिश ये नरेंद्र मोदी कर रहा है। ये फासिस्टवादी ये सरकार ये चाह रहा है कि कोई इसका विरोध ना करे और ये लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने का ये एक बहुत गहरा साजिश है। राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने जनता का मुद्दा उठाया और उन्होंने बस एक वाजिब सा प्रश्न 2019 को पूछा कि जो नीरव मोदी देश का 1000 करोड़ लूट के ले गया उसको संरक्षण देने वाला नरेंद्र मोदी क्यों है? ये दोनों के बीच में, दोनों मोदी के बीच में नेक्सस क्या है? उसको तोड़ फोड़ के गलत तरह से इंटरप्रेट करके ये जो मीडिया तो जान ही रहे आजकल क्या हो, जितना भी सारा मीडिया टोटल कॉरपोरेट हो गया और सब मैनेज हो गया, उसको दिखाया गया कोर्ट तो भैया गवाह और सबूत के बिना पे चलता है, तो वो कोर्ट पे सामने जो पेश हुआ उसी के आधार पे वो गलत तरीका से फ्रेम कर दिया गया राहुल गांधी को और गलत तरीका से षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी फंसाया गया, क्योंकि देश का अभी विपक्ष में सबसे मजबूत आवाज राहुल गांधी को है, राहुल गांधी का, और नरेंद्र मोदी चाह नहीं रहा है कि राहुल गांधी का आवाज ये देश का जो भावना है वो सामने आए। गांधी को 2 साल का सजा सुनाई गई है मानहानि के केस में और नरेंद्र मोदी सरकार लोकतंत्र को रोकने का काम कर रहा है। राहुल गांधी जब जी चाहने लगा तो अभी अडानी के है, नीरव मोदी है, उन लोगों को कुछ कार्रवाई न किया गया और मानहानि के केस में राहुल गांधी जी को 2 साल का सजा सुनाई गई या काम केंद्र सरकार लोकतंत्र को रोकने का काम किया जा रहा है।